नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फैसला आ गया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को एक लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जिस तरीके से मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संकेत दिया गया, उसी दिन से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी उम्मीद में बैठे थे कि कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिल जाएगी। आज जब तकरीबन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला सुनाया गया तो कोर्ट ने आगामी 1 जून तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये जमानत दी गई है, ये चुनाव प्रचार के लिए दी गई है ताकि दिल्ली में जो 25 मई को छठे चरण के तहत लोकसभा के चुनाव होने हैं उस चुनावी कैंपेन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न केवल हिस्सेदारी ले सकें बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार भी कर सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी के तौर पर जरूर काम करेगा और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से भाजपा पर अपने आक्रामक तेवर दिखाएगी। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी को न केवल एक संजीवनी मिली है बल्कि अब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का भी जो है वो देखने को मिलेगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा की विधिवत रूप से आज शुरुआत हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। विधि विधान के साथ कपाट खुलने की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। यानी ग्रीष्म काल के दौरान अगले 6 माह तक जो श्रद्धालु होंगे वो इन्हीं पड़ावों पर माँ यमुना के दर्शन कर पाएंगे। आज गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि 3 धामों के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ पर खोले गए हैं। विधि विधान के साथ ये प्रक्रिया सम्पन्न हुई और अगले 6 माह तक जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे, चार धाम यात्रा पर आएंगे, वो इन्हीं पड़ावों पर धामों के दर्शन कर पाएंगे। कोशिश यही है सरकार और प्रशासन की कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधा इस यात्रा के दौरान मिल सके और जो श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके वापस जाएंगे उत्तराखंड की स्वच्छ छवि लेकर वापस जाए। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पहली पूजा अर्चना केदारनाथ धाम में की है, राज्य की सुख समृद्धि और खुशहाली की मनोकामना उनकी तरफ से की गई है। तो कोशिश यही है धामी सरकार की यात्रा भी बेहतर हो, नए रिकॉर्ड भी स्थापित हो और यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। कैमरामैन इंडिया वाइज। गोरखपुर में रवि किशन शुक्ला ने किया नामांकन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। गोरखपुर सेम सिटी की अगर आज हम बात करें तो इस चुनावी महापर्व में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर हम बात करें रवि किशन शुक्ला जी की तो रवि किशन शुक्ला जो है सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ पीठेश्वर पहुंचे, उन्होंने बाबा गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन किया, पूजन किया, उसके बाद जो है वो सदर पहुंचे, सदर जाकर के उन्होंने नामांकन किया। साथ ही रवि किशन जी के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, साथ ही ब्रजेश पाठक सहित तमाम बीजेपी के मजबूत कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं रवि किशन ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए और बीजेपी से जो है कि गोरखपुर से सीट को जीतने के लिए जो है पूरे दल बल थल के साथ उन्होंने जो अपने शक्ति प्रदर्शन को भी किया। साथ ही अगर हम बात करें काजल निषाद जी की तो काजल निषाद ने भी नामांकन किया, उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन का कार्य किया। अगर हम बात करें सदल प्रसाद की तो सदल प्रसाद ने भी इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही सदल प्रसाद जी के नामांकन में जो है उत्तर बिहार के जो है तेजस्वी यादव, आप पार्टी के संजय सिंह, साथ ही
शिवपाल सिंह यादव, इमरान गढ़ी, साथ ही तमाम लोग इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। वहीं अगर हम बात करें कमलेश पासवान की, तो कमलेश पासवान भी तमाम विधायक, सांसद और मंत्रियों के साथ इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक दूसरे के लोग अपना वर्चस्व दिखाते नजर आ रहे थे। अगर हम बात करें आम जनमानस की, तो आम जनमानस काजल निषाद जी के साथ उमड़ता नजर आया। अगर वहीं सदर सांसद रवि किशन की बात करें, तो सदर सांसद रवि किशन ने वहां से दिग्विजय नाथ गए, दिग्विजय नाथ जाकर उन्होंने जनसभा का संबोधन किया और संबोधन उन्होंने विपक्ष पे जम के निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्ष जो है जातिवाद की राजनीति करता है और हमारी सरकार सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती है। अगर वहीं हम बात करें, रवि किशन जी वहां से मोटरसाइकिल की यात्रा निकाले जिसपे वो उन्होंने छोटे छोटे कस्बों में जाकर के लोगों से जनसभा किया और एक लोगों से रूबरू हुए। वहीं सरकार के गाइडलाइन की बात करें तो रवि किशन जी जो है बिना हेलमेट के नजर आए, क्योंकि सरकार की दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को लगा झटका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये मुश्किलें अब कम होती दिखने रही है, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका पर निपटारा कर दिया जिसमें हेमंत सोरेन ने अपील की थी कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी जाए। हेमंत सोरेन ने मांग की थी कि हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाई कोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो गई है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने देश के सुरक्षित रख लिया था लेकिन फैसला अभी तक नहीं सुनाया। हालांकि अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी को अवैध बताते वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई में फैसला फिलहाल इनकार कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव हो रहा है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है और मौसम ने भी अपनी करवट ले ली है। 13 मई तक ये माना जा रहा है कि जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे और जिसमें प्रदेश भर पर जो बारिश है उसका सिलसिला देखने को मिलेगा और साथ साथ जो उछले इलाके हैं चारों धाम जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ तो इस बार मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 60% अधिक मानसून में बरसात देखने को मिलेगी, जिसके बाद तो चारधाम की यात्रा होगी क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब रहता है, रास्ते में लैंडस्लाइड्स जैसी परेशानी देखने को मिलती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो यात्री यहां पर आ रहे हैं उनको हिदायत और साथ साथ अपील की है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें और इसी के तहत जो IMD है या फिर जो सरकारी चारधाम से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पर मौसम की जानकारी यात्रियों को दी जाएगी ताकि जब यात्रा कर रहे हो तो उस दौरान वो पूर्वानुमान देख सके और आगे की यात्रा बढ़ा सके। वहीं गर्म कपड़े रखने की जो सलाह है वो भी मौसम विभाग ने दी है, तो कहीं ना कहीं जो इस बार कई चारधाम यात्रा रहने वाले हैं उसमें मौसम का एक अलग फैक्टर देखने को मिलेगा क्योंकि 60% जो बरसात का पूर्वानुमान किया गया है उसे कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है उस पर जरूर प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में यात्रियों को हम अपील करेंगे कि जो यात्रा है वो मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही करें। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। आज यूपी के 2 जिलों में राहुल और अखिलेश की साझा जनसभा हुई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया और साथ ही वहां आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी कन्नौज में मंदिर धुलने के मामले में भी कड़ा प्रहार किया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने चरण पर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कन्नौज में साझा चुनावी रैली की। यहां पर अखिलेश यादव खुद प्रत्याशी हैं जिन्हें जिताने के लिए राहुल गांधी ने बड़ी अपील किया। यहां मौजूद आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने संबोधन में यह भी कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के मंदिर में पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर की धुलाई कराई या कहीं ना कहीं अपने आप में ओछापन है। वहीं अखिलेश यादव ने
यह कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक उसी तरह इस बार आम जनता बीजेपी के मंसूबे को लीक कर देगी। अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ बीजेपी पर किसान, नौजवान और बेरोजगारी को लेकर बड़ा हमला बोला, वहीं राहुल गांधी ने अडानी अंबानी मामले को लेकर भी बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। कन्नौज के बाद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कानपुर में भी चुनावी सभा हुई, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को जिताने की अपील की गई। यहां भी एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। फिलहाल जिस तरह से तपिश बढ़ रही है और चुनाव भी इसी तरह अब सरगर्मियों वाला हो गया है, अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साझा रैली कितना सफलता दिलाती है या आने वाला समय भी बताएगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा रैली कर अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील किया था, लेकिन उस समय मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिना मानचित्र के जो कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उनको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। यही जो है स्थिति कई जगह देखने को मिली। कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने बैठक करके MBDA को साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बिना मानचित्र के, बिना स्वीकृत हुए कोई अगर कॉलोनी बनती है तो उस कॉलोनी में को ध्वस्त कर दिया जाए। MBDA ने रामताल के पास 8000 वर्ग फीट में जो कॉलोनी काटी गई थी, उस कॉलोनी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी, उस पर बुलडोजर गरजा। वहीं एक आगे गेट बना हुआ था, एक विशाल गेट बनाया था, उस पर भी बुलडोजर गरजा और अपनी कार्रवाई की। ऋतु महेश्वरी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी अवैध कॉलोनी बनाता है या काटता है, उसकी कॉलोनी को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए। बिना मानचित्र के कहीं भी कोई भी निर्माण होता है, उसको तत्काल ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने पिछले दिनों MBDA की बैठक ली थी और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। मथुरा में अक्षय तृतीया के त्यौहार के लिए उमड़ी भीड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। अक्षय तृतीया का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए लोग कामना करते हैं। वहीं वृंदावन में लाखों की भीड़ आ रही है, क्योंकि साल में एक बार ठाकुर बांके बिहारी जी चरण दर्शन अपने देते हैं और 10 लाख से अधिक भीड़ आने की कल तक संभावना है, यानी आने वाले 2 दिन तक 10 लाख से अधिक की भीड़ दर्शन करके निकलेगी। तमाम श्रद्धालु जो है कल से यहाँ आए हुए हैं। तमाम मथुरा के होटल, धर्मशालाएँ पहले से ही बुक हो गई हैं। जिला प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किया हुआ है और तमाम जगहों पर, चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। भीड़ को देखते हुए किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उस पर DM और SSP ने पूरी चौकसी बरते हुए हैं और पूरी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अक्षय तृतीया का पर्व जो है एक बहुत ही उससे मनाया जाता है, बहुत ही आनंद तरीके से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। गोरखपुर में STF टीम को मिली एक बड़ी सफलता। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। STF ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मनीष यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करता था। वर्ष 2023 में लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई ने विदेश में रहते हुए मक्खन सिंह लबाना पर फायरिंग करवाया था। इस फायरिंग में भी मनीष यादव ने असलाह सप्लाई करने के मामले में
मनीष यादव वांटेड चल रहा था और हरियाणा पुलिस के इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ ने मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गोरखपुर का रहने वाला मनीष यादव ने शशांक पांडे और विक्की लाला के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्वाइन किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ज्वाइन करने के बाद मनीष यादव लगातार असलहा सप्लाई कर रहा था। 2023 में मक्खन सिंह लवाना पर हुई फायरिंग मामले में मनीष यादव ने असलहा सप्लाई किया था। एसटीएफ के मुताबिक मनीष यादव लगातार असलहा सप्लाई कर रहा था और कई आपराधिक कृत्यों में भी शामिल था। हरियाणा की पुलिस लगातार मनीष यादव की खोजबीन में लगी हुई थी। हरियाणा पुलिस के इनपुट मिलने के बाद यूपी एसटीएफ ने मनीष यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि जिस तरह से मनीष यादव अपने आपराधिक कारनामों को लेकर चर्चित हुआ था और हरियाणा में हुए कांड के बाद गोरखपुर में आराम की जिंदगी बिता रहा था और अपराध जगत से उसने काली कमाई भी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। एसटीएफ को जिस तरह से सफलता मिली है, इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की साख भी बढ़ी है। कैमरा पर्सन रमा शंकर यादव के साथ आसिफ बेग। प्रयागराज में 93 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज में करीब 93 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल ये बच्चे बिहार से लाए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि 9 लोग थे जो इन बच्चों को लेकर के जा रहे थे। पुलिस ने इनको इलाहाबाद स्टेशन पर ही उतार लिया और यहाँ से अब उन्हें बाल सुधार गृह, जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, उस पर हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे बिहार से लाए जा रहे थे और इन बच्चों को ऐसा कहा जा रहा है कि किसी मदरसे में ले जाया जा रहा था, जबकि ये भी इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि ये बाल मजदूरी के लिए भी बच्चे ले जाए जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद की वजह से इनको रेस्क्यू करके उतारा गया, जिसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। उन 9 लोगों को जो इनको लेके जा रहे थे, इन बच्चों से संबंधित कागजात भी वो नहीं दिखा सके कि उनको किस मकसद से कहाँ ले जाया जा रहा है, इनके परिजनों की अनुमति है या नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जिस पर अब पुलिस की टीम काम कर रही है। हालांकि जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 से 13 साल के आसपास बताई जा रही है, उनको ले जाया जा रहा था, तो सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि जो पकड़े गए लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मदरसों के लिए बच्चे जा रहे थे, वहां से ये एडमिशन करने के बाद दीनी तालीम लेते, लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर बहुत यकीन नहीं हो रहा, इसीलिए अब उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। न सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है, उनसे सच जानने की कोशिश की जा रही है और जो पकड़े गए लोग हैं उन्होंने जो कुछ बताया है उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि परिजनों के आने के बाद ये चीज़ें साफ होंगी। कोटद्वार में पुलों की बचाव के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अंजना गोयल। पिछले साल मालन पुल बरसात में गिर गया था, जिसके कारण कोटद्वार और भावर का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं इस बार पुलों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बरसात आने वाली है। जहां अभी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बादल फटने की घटना सामने आई है, ऐसे में अगर समय से पहले बरसात आ जाती है और सामान्य से अधिक बारिश होती है तो पुलों के लिए ये एक खतरा बन गया है। पुलों के पास से जिस तरह से खोद करके छोड़ दिया गया है, वहाँ पर काम तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं लगता है कि बरसात से पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोटद्वार की जनता के लिए इन्होंने एक मौत के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रशासन जो काम आज करवा रहा है, वह काम उन्हें अप्रैल के लास्ट तक करवा लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा हमेशा कोटद्वार की जनता को झेलना पड़ता है। इसी कारण कोटद्वार की जनता में भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि प्रशासन काफ़ी लेट पुस्ते बनवा रहा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। लखनऊ में कूड़ा उठा रहे नगर निगम के कर्मचारियों पर हुआ हमला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमान। ठाकुरगंज क्षेत्र में एक नगर निगम कर्मचारी को लोहे के प्लास से एक युवक ने मार के लहूलुहान कर दिया। जी आपको बता दें, पूरा मामला थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के
बालागंज रस्तोगी नगर का बताया जा रहा है, जहां पे सत्येंद्र यादव नामक नगर निगम कर्मचारी जो वहां पे सफाई का काम कर रहा था रोबोट गाड़ी से, जो वहां पे बताया जा रहा है कि पत्ते वगैरह उठा रहा था, तो वहीं पे एक शिवा सोनी नामक युवक बाइक से आता है और आके अभद्र भाषा में उससे बात करता है, तो वहीं पे अभद्र भाषा का विरोध करना ही नगर निगम कर्मचारी को भारी पड़ गया। जी हाँ, नगर निगम कर्मचारी ने जब उसकी अभद्र भाषा का विरोध किया तो युवक ने आक्रोश में आके उसके सर के ऊपर लोहे का प्लास दे मारा। प्लास पड़ते ही युवक के जैसे ही प्लास मारा तो नगर निगम कर्मचारी का सर फट गया और लहू लुहान हो गया। पूरे मामले की जानकारी जब नगर निगम कर्मचारी ने थाना बताया जा रहा उसको जेल भेज दिया। सुल्तानपुर में लंबे समय से चल रही अवैध सशक्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर पुलिस ने आज अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना अंतर्गत पुलिस ने अवैध फैक्ट्री की छापेमारी करते हुए दो अभियुक्त मुस्तकीम और शेख मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की जा रही है। आप बता दें काफ़ी भारी मात्रा में उनके पास से हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम और थाना करौंदी कला की टीम ने मिलकर यह सफलता हासिल की है, जिसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनका मेडिकल करा के उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत में आपको बता दें डीसीएम के द्वारा एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले, मजदूरी से भरा डीसीएम पेड़ से टकराई जाकर के 30 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें जिसको लेकर करके क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर मोइना के लिए डीएम व पीलीभीत के एसपी भी मौके पर पहुंचे व मरीजों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। वहीं घायलों को सीएससी अस्पताल जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं मौतों के लिए 3 मौत हो चुके हैं। आपको बता दें बड़ा हादसा, एक नेशनल हाईवे पर भीषण हादसे से क्षेत्र में खलबली मच गई, जहां एक डीसीएम 30 मजदूरों से भरा हुआ काम कार्य के लिए जा रहे थे, वहीं अचानक नियंत्रण होने के कारण पेड़ से टकराई डीसीएम में बैठे 30 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई और बकाया कई लोग घायल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिसको लेकर करके उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं डीएम और एसपी पहुंचे मौके वारदात पे। आपको बता दें, देखते रहिए इंडिया वॉइस अमित पाल के साथ। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।